ये है रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर वॉचिंग मी लाइव। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हाउ आर यू जैकलिन? वेरी गुड। यू डोंट नो, यू आर टू गुड। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हूँ। ओह शिट। दीपिका, मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है। बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। बॉलीवुड की वो सारी हस्तियां जिनको देखने के लिए तरसती हैं आंखें, और एक झलक दिख जाए तो थम जाए सांसें। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। हम जीते हो? जीके आलिया को ढूंढने आए। ऐसे जलवे, ऐसी मस्ती, ऐसी दीवानगी पहले देखी ना होगी कभी। तो देखते रहिए रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए आज शाम के आपके होस्ट का, हम सबके फेवरेट, द फनीएस्ट मैन इन इंडिया, कपिल शर्मा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर वॉचिंग मी लाइव। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां, जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं। ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी। फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली इन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं, फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया, जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं, आपने पी के 350 करोड़ बना लिए। साजिद नाडियाडवाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना, 3-4 किक लगती है स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता। फिर पार्टी तो रख ली, अब एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते, देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का, एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते, मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता, क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की। तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई, कहता देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा। कहता यार तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। So, आज की शाम की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। ए वेरी वार्म वेलकम टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स, लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई। अभी मुझे जैकलिन मिली,
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स. वो कहती मैं तो करती रहती हूँ, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर द अवार्ड्स. सो मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. आज हैं हम मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियो में. जोरदार तालियां. रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स. इंडिया का इकलौता ऐसा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो है जिसकी नींव फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रखी है. इसलिए ये इंडस्ट्री का सबसे विश्वसनीय अवार्ड है. अवार्ड शो ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री. इसलिए यह है स्टार्स के दिल के करीब. जोरदार तालियां फॉर स्टार गिल्ड अवार्ड. आज के रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं टेलीविजन अवार्ड से. और इस कैटेगरी में जो पहला अवार्ड है वो है बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का. तो बेस्ट ऑन गोइंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा दिव्या दत्ता जी और मनीष गोस्वामी साहब को. कैसे हैं आप? हाय कपिल, बिल्कुल ठीक. आप कैसे? बड़ी प्यारी लग रही है हमेशा की तरह आप. शुक्रिया. थैंक यू. The Renault Star Guild Award for Best Ongoing Drama Series goes to Diya Aur Baati Hum. Oh! इस टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. आंधी आए, तूफान आए, इन्होंने अपने दिए में पता नहीं कौन सी बाती डाली, दिया बुझता ही नहीं है. तालियां होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, आप तो दो लाइनें और कुछ कह के जाइए पता क्या, क्योंकि लोग अक्सर आपको उस गेटअप में देखते हैं. अवार्ड फंक्शन ऐसे होते हैं जब आप असली रूप में निकल के आती हैं. तो दो चार लाइनें तो कुछ एक्स्ट्रा बोल के जाइए प्लीज. थैंक यू कपिल जी, आपने मुझे मौका दिया. आप बहुत कम लोगों को मौका देते हैं. नहीं, कपिल जी का क्या मतलब, मैं आपके चाचा जी का क्लासमेट हूँ, मेरे को कपिल कह के बुलाए आप. कॉल मी कपिल, ओनली कपिल. कैप्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टार प्लस. थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंस जिन्होंने हमारे शो के लिए वोट किया. और आज हमें ये अवार्ड मिल रहा है, चार सालों बाद भी. अवार्ड मिले ना मिले इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस इतना ही है कि आप हमें हमेशा नॉमिनेट करते रहिए. थैंक यू. हमारा जो अगला अवार्ड है वो है फॉर द बेस्ट अपकमिंग ड्रामा सीरीज. और इसे भी आप ही पेश करेंगे सर, आप ही अनाउंस करेंगे. द रेनॉल्ट स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट रीसेंट ड्रामा सीरीज गोज टू कुमकुम भाग्य. हाय एवरीबॉडी, ऑन बिहाफ ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स आई वुड लाइक टू थैंक रेनॉल्ट स्टार गिल्ड अवार्ड्स फॉर दिस अवार्ड. थैंक यू. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट कॉमेडी ड्रामा सीरीज का. यार ये कैटेगरी तो किसी और से अनाउंस करवा देते, मुझे देना है मुझे. एनीवेज मैं मजाक कर रहा हूँ, ये जो है वो एक्चुअली फिक्शन में है, हमारा नॉन फिक्शन में आता है. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर जैकी भगनानी और मिस्टर धीरज कुमार जी को. रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडी सीरीज गोज टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा. दो ही आदमी चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टीवी में मिस्टर आसित मोदी जी. सर बहुत बहुत मुबारक आपको. अगला टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट नॉन फिक्शन सीरीज के लिए. और ये अवार्ड भी सर आप ही प्रेजेंट करेंगे, आप प्लीज विनर्स का नाम अनाउंस करिए. द रेनॉल्ट स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट नॉन फिक्शन सीरीज गोज टू एनी गेस Yes, it goes to Comedy Night with Kapil. Yeah. और मेरा विश्वास जानिए, मैं होस्ट कर रहा हूँ इसका, इस अवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये आप सबका प्यार है. तो Comedy Nights की टीम से कोई आया, मैं तो आज काम पे हूँ. मेरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा. थैंक यू सो मच. और ये मैं अपनी टीम को ही देना चाहूंगा क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं. पूरी टीम की तरफ से कपिल के लिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसा रहा है उसने हमें बहुत रुलाया है. कपिल एक ऐसा एक्टर है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे और बेटर और बेटर और बेटर चाहिए और उसी का रिजल्ट आप देखते हैं हर वीक. थैंक यू.
और अगला अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहता हूँ मास्टर शेफ इंडिया के 3 महारथी शेफ विकास खन्ना, शेफ संजीव कपूर और शेफ रणबीर बराड़। हिंदुस्तान को बड़ी खूबसूरत डिशेज दी इन लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उस दिन आपने जो मुझे स्नैक्स खिलाए और उसके पैसे भी नहीं लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू, ये बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर काश हम सबके लिए खाना बना सकते, लेकिन बहुत जल्दी खाना बनाने वाले हैं हम स्टार प्लस के ऊपर। मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 जल्दी आने वाला है जी, 26 जनवरी से इसका जो स्वाद है हम फैलाने वाले हैं। और मंडे टू सैटरडे 10:30 PM हर रोज इतना खाना होगा, इतना रायता होगा कि अरे सर बेस्ट विशेस एवरीवन। The Renault Star Guild Award for Best Director Fiction goes to Mr. Rohit Jugraj for Ek Haseena Thi. Namaskar, mera naam Rohit Jugraj hai. Main ek nirdeshak hoon. Ye mera pehla award hai aur isliye khushi dugni hoti hai. Main tahe dil se aap sab logon ka dhanyawad karta hoon jinhone mujhe is award ke kaabil samjha. आइए बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट राइटर का। कहते हैं कलम की धार जो होती है वो तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है, और बात भी सच है। आप कलम से कान खुजा सकते हैं, तलवार से खुजाए तो कान गया। और सर आप ही उसको प्रेजेंट करेंगे, सो अनाउंस करिए जरा कौन है वो भाग्यशाली राइटर। द अवार्ड फॉर द बेस्ट राइटर रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड गोज टू भावना व्यास एंड मुनीषा राजपाल फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगला रेनो स्टार गिल्ड टेलीविजन अवार्ड जो है वो है बेस्ट एंसेंबल कास्ट के लिए। ये वर्ड को याद करने में जितना मुझे टाइम लगा ये मैं ही जानता हूं। और सर मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप ही जरा गुत्थी खोलें, ये किनको मिल रहा है। द रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट एंसेंबल कास्ट गोज टू एवरेस्ट। नलिनी रत्नाम जी एवरेस्ट की कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मैं अगर दिल से कहूं तो मैं जो टीवी एक्ट्रेस हैं मैं उनकी एक्टिंग का बड़ा कायल हूं। इन्हें अक्सर ऐसे रिएक्शंस देने पड़ते हैं जैसे डायनासोर देख लिया हो। लड़की को भी नहीं पता होता क्योंकि राइटर ने आगे लिखा ही नहीं होता। वो बोलता है देखिए मैडम आप ऐसा रिएक्शन दे दीजिए, आपके रिएक्शन के हिसाब से हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो आंखें खोल सके कि जिससे लगे कि हाँ इनका रिएक्शन जस्टिफाई हो रहा है। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए ड्रामा सीरियल मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा द वेरी हॉट लीजा हेडन। लीजा, can I ask you something? अगर ये लंबा होता है जो उठाना ही पड़ता है तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? So why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कतल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है, इतनी खुली चीजें मिले ना उनको नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya aur Baati Hum. थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। और आप कहाँ भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठी आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेरी अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठी है, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई कई बार दो दो हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं।
बीच में एक आध लफ्ज आता, बाबूजी। अच्छा बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीडर इज ऑलरेडी देयर। बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरीज गोज टू वेयर गोज Mohit Raina for Devo K. Wow! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for honoring me. Thank you so much. Congratulations, Mohit. मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मेरे एक्साइटमेंट का कारण है अब होने वाली परफॉर्मेंस कमिंग अप ब्यूटी क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां।
स्वच्छ शहर से शुरू। आगे देखिए शाहिद कपूर का दमदार डांस बिस्मिल बिस्मिल, जब कपिल ने की जैकलीन के संग मीठी छेड़छाड़। वाह जैकलीन। हाय कपिल। हाय, यू नो मी। मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूँ कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ, मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। परिणीति ने उठाया बॉलीवुड की स्वच्छता का बीड़ा। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हूँ। Oh, shit. महानायक अमिताभ बच्चन का महा परफॉर्मेंस। ऋतिक रोशन प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक द कार। प्लीज 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 कम यार। नो नो यू हैव टू, यू हैव टू। नो नो दीपिका, आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। और आलिया के जीके पर उठे फिर से सवाल। हम जीके हो? जीके आलिया को ढूंढने आए। इस साल के रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स हम उस महान फिल्म मेकर के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं जिन्होंने ना सिर्फ जमीर, आज की आवाज, बागबान, बाबुल और भूतनाथ जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि इस गिल्ड की नींव भी रखी। पिछले साल उनका यूं अचानक हम सबसे बिछड़ जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय श्री रवि चोपड़ा जी की कुछ खास यादें हमारे साथ शेयर करने के लिए अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब को। मैं यहां दो बार जिंदगी में कहा, ही ग्रू अप अंडर द शैडो ऑफ हिज फादर स्टॉलवर्ट एंड एन इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, श्री बी आर चोपड़ा। Ravi Chopra, whom we fondly called Cookie, started his directorial venture with a film in the early 70s, with a film called Zameer, and I had the great privilege of working in that film. And after a very long gap, I had the honor of working with him again in some very purposeful and meaningful films called Bagban, Babul, Bhutnath. Last year, we lost Ravi Chopra. He spent a lot of his last few years in some discomfort, but he was always very brave, very strong. The Guild, ladies and gentlemen, today pays a tribute to Mr. Ravi Chopra. Chalti rahe zindagi चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। मस्ती के धारों में हो गूंजे
सदा दिल के तारों में हो, अब रुके ना कहीं, प्यार का कारवां नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। I'd like to call Renu Chopra and Abhay onto the stage, please. A small tribute from the Guild for Mrs. Renu Chopra and his son, Abhay. I just want to say thank you to Guild for bestowing this honor on my husband, and I want to say that I'm very proud today to be his wife. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, आप कोई भी अवार्ड शो देख लो उसमें हमेशा दो होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट, मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं, काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, पर क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की है तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। Oh wow, Jacqueline looking very hot. Hi Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. She knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good, thank you. I was you. Just missing you. Really? 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बनके क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा लिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is नहीं होता, I am होता है. But I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोरदार तालियां। कम है रही होता है? If you're standing here and कम है? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूँगा go there? मेरे को पागल को तो नहीं काटा है? वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। Race to, Murder to, Houseful to, I Love You to. Yeah? You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूँ कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ, मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी, तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहाँ पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो? मिसमैच से तो नहीं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मेरा मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला, सो आइए वहाँ पे चलते हैं। लाइटिंग भी अच्छी है और खूबसूरत लगेंगे आप, मैं तो हर जगह वैसे ही लगता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए यार जैकलिन के लिए एक बार।
आज के रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स की शुरुआत करते हैं, वो है शशाधर मुखर्जी बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड. टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर रोनू मुखर्जी एंड शुभीर मुखर्जी. जोरदार तालियां. द रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर गोज टू विकास बेल, चैतन्य परमार एंड परवेज शेख. सर कैसा लग रहा है, आपने क्वीन बनाई है, किंग कब बना रहे हैं सर? सर जैसी आपकी डेट्स मिल जाएंगी मैं किंग बना दूंगा. अब मुकरिएगा मत, माता रानी पाप लगाएगी सर. और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अवार्ड की तरफ. लोगों को पूरी फिल्म भले ही याद रहे या ना रहे, लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो सर चढ़ के बोलते हैं और जो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं. हमारा जो अगला अवार्ड है पॉपुलर अवार्ड बेस्ट डायलॉग. एंड टू प्रेजेंट द नेक्स्ट अवार्ड लेट्स कॉल ऑन स्टेज मिस्टर नरेश मल्होत्रा फ्रॉम प्राइम फोकस एंड द वेरी ब्यूटीफुल तबू. कमाल लग रही हैं आप गुलाबी सूट में. एंड द अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग गोज टू, this is one of the nicest people that I know in the industry, Rajkumar Hirani and Abhijaat Joshi for PK. The next award is for Best Story, and the nominees are Sean Ellis, City Lights, Vikas Behal, Chaitali Parmar and Parvez Sheikh, Queen. Based on best-selling novel by Chetan Bhagat, Two States, Nitin Kakkar, Filmistan. पकड़ने गए थे अमेरिकन को, हाथ लगाइए गए. ओए अपहरण हुआ है तेरा, थोड़ी दुखी तो लग. इम्तियाज अली हाईवे. कोई घंटा पैसा देगा लोगों ने ना उसको समझा. अभिजात जोशी एंड राजकुमार हिरानी पीके. इतना अजीब था वो, उतना ही दिल के करीब. इसे प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सनन एंड मिस्टर अजय अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डोनियर इंडस्ट्रीज. The best story award goes to Vikas Bahl, Chaitali Parmar and Parvez Sheikh. Ura London to Mukida, O Gaddo Nadde Pani Di, Ura London to Mukida. Thank you sir, thank you Vikas. Kriti, थोड़ा कपड़ा छूट गया पीछे ज़्यादा. ये अच्छा है, ऐसी एक्ट्रेस जब आती है ना ऊपर से तो हमारा चलो फ्लोर भी साफ हो जाता, हमारे लिए तो अच्छा ही है. The next popular award is for best choreography. अब मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु देवा, रेमो डिसूजा, फराह खान, गणेश आचार्य सारे कोरियोग्राफर तो डायरेक्टर बन चुके हैं, तो फिल्म में कोरियोग्राफ कर कौन रहा है? It's a very big question. Let's see the nominations. Yeah, we have to see. पंडित बिरजू महाराज, जगावे सारी रैना, डेढ़ इश्किया, बॉस्को सीजा, तू मेरी, बैंग बैंग, गणेश आचार्य, विसल बजा, हीरोपंती, अहमद खान, जुम्मे की रात, किक, फराह खान एंड गीता कपूर, लवली, हैप्पी न्यू ईयर, बॉस्को सीजा, बेशर्मी की हाइट, मैं तेरा हीरो, उमा एंड गेटी, बेबी डॉल, रागिनी एमएमएस 2. एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर श्यामक डावर. Good evening. Hi. Very good evening. Hi, Shamak. Good, I'm good. The Renault Star Guild Award for Best Choreography goes to Bosco Caesar for Tu Meri from Bang Bang. Congratulations, Bosco Caesar. Now it's time for the Yash Chopra Award for the Most Promising Debut Director. We would like to call upon Mr. Sajid Nadiadwala on the stage. वैसे तो साजिद खुद भी इस कैटेगरी में नॉमिनी हैं। उनकी पहली फिल्म किक इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक है,
फिर भी उन्होंने कंपटीशन को किनारे रख के विनर को अवार्ड देने का जो जज्बा दिखाया है वो काबिले तारीफ है. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. एंड द नॉमिनीज आर उमंग कुमार, मैरी कॉम, साजिद नाडियाडवाला, किक, विनिल मैथ्यू, हंसी तो फंसी, शशांक खेतान, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, तू काव्या से बहुत प्यार करता है, अभिषेक वर्मन, टू स्टेट्स, नितिन कक्कड़, फिल्म स्टार, बंद करो शूटिंग फुटेज. आई थिंक आई हैव डेब्यूटेड 27 इयर्स बैक, सो आई शुड गिव दिस अवार्ड टू उमंग, अभिषेक वर्मन, शशांक एंड नितिन कक्कड़, प्लीज. And one more, Abhishek is not there. So Abhishek for two states. और इसी के साथ ही मैं जैकलिन को थैंक यू कहना चाहूंगा. जैकी, यू आर टर्फिक, माइंड ब्लोइंग, एंड 5-6 वर्ड्स मोर व्हिच आई डोंट नो. थैंक यू. यू आर द बेस्ट होस्ट एवर. रियली? यस. हाउ स्वीट ऑफ यू. लव यू टू डार्लिंग. थैंक यू. जैकलिन के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार. लेडीज एंड जेंटलमैन, धमाकेदार परफॉर्मेंस की कड़ी में एक और जबरदस्त ब्लास्ट होने जा रहा है. जी हाँ, स्टेज पे बिजलियां गिराने आ रहे हैं यंग, चार्मिंग, डैशिंग, वेरी हैंडसम मिस्टर शाहिद कपूर. Let's go.
अकल और मसल दोनों लगाओ, ज्वाइन द क्लीन माई सिटी कैंपेन। अब से कुछ ही देर में देखिए परिणीति और वरुण का रूमानी अंदाज। अमिताभ बच्चन की पिडली सी बातें, अनिल कपूर ने सबको हंसा हंसा के किया बेहाल। ये जो है ये देखिए सर, ये कितना कमाल है सर, ये देखिए सर। You know, you feel like a star. It's so fantastic. It's terrific. It's fabulous. प्रियंका, आलिया और आयुष्मान का डांस धमाल। मौका देख के कपिल ने लगाया चौका, किया एक नई हीरोइन का ऑडिशन, जो ठर से खोला और फर से भी गया। और कई सितारों का पर्दाफाश। अच्छा, फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही? वेलकम बैक टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब। एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परिणीति काफी बिजी है यहाँ पे। झाड़ू पूरा नीचे कुर्सी तक मारिए। परिणीति क्या कर रही हो? यार मोदी जी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, मैंने सोचा मैं भी अपना सपोर्ट दे देती हूँ। परिणीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गए। स्वच्छता अभियान में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ये सारा इन्होंने कचरा इकट्ठा किया है, पूरे हॉल की सफाई की है। परिणीति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो मुंबई और दिल्ली में क्लीन माई सिटी ड्राइव शुरू किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस इनिशिएटिव के लिए। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बहुत ही मेहनती एक्टर है, ये खुद तो मेहनत करती है, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती है, नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते हैं। अरे आप लोग बड़े लोगों करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए सब पे लाइन। तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है, अपना अपना। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में चार चार हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। I think we should change the topic now. No, why? ऐसे ही, इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला? चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें कल फोन किया तुम्हारे बॉय ने उठाया, उसने कहा कि सर बिजी है। मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो, तुम्हारा डैड डेविड धवन। कैसी चीजें पढ़ा रही है? पता नहीं उनकी चेयर से निकला है। ये कैलकुलेटर कहाँ से निकला है? ये राजकुमार हिरानी की चेयर से निकला है, वो इतना काउंट कर रहे थे पीके के कलेक्शंस, ये कैलकुलेटर भी क्रैश हो गया। और क्या क्या निकला है? ये रितेश देशमुख की सीट के नीचे से निकला है।
रितेश झूठ की था अभी भी कब्ज की दवा ये ओहो ये किसकी थाली में से निकली है? ये टाइगर की चेयर के नीचे से थी शायद क्यों टाइगर ये क्यों निकली आपके यहाँ से बता दो यार अच्छा अब समझ में आया हमेशा कहते नहीं रहते लोगों को आती नहीं मेरी जाती नहीं हाँ, यस अच्छा, ये इनको वापस कर देनी चाहिए ओके 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 एक फोन भी निकला है ये अनिल कपूर साहब का फोन है इसमें मैसेज चेक करते क्या क्या है विद्या ने क्या लिखा है यू आर टू हॉट सर प्रियंका का मैसेज भी है सर आई कांट बिलीव इट सर का मैसेज डॉट 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 अनिल सर ने रिप्लाई किया है आप अपनी पिछली फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे मैसेज ना किया करें बच्चे बड़े हो गए कंगना ने लिखा है थैंक यू यू आर वेरी स्वीट कंगना ने इधर लिखा उधर देख के क्या पढ़ रही हूँ तो अगला अवार्ड जो है वो है एंटरटेनर ऑफ द ईयर और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर रोहित शेट्टी जी को एंटरटेनर ऑफ द ईयर दीपिका पाडुकोन Please say something. I just want to say that I think I'm really fortunate to be in the business of entertainment. And through the movies that we make, I think we manage to not just entertain, but to also inspire and touch people's lives. So thank you so much for this award. Next award hai most promising debut male ke liye. Most promising debut male, matlab jo jiska debut hone se pehle kafi sari ladkiyon se promise kare, right? Yahan tumhari baat nahi ho rahi hai. तो किसकी बात हो रही है ये अवार्ड उन एक्टर्स के लिए है जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के अपकमिंग स्टार्स बनने की खूबियां हैं तो मेरी बात हुई ना घुमा फिरा के क्यों कह रही हो आई विल इग्नोर कपिल नॉमिनेशंस फॉर द पॉपुलर अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू मेल आर ओ दर्शन कुमार मैरी कॉम पार्थ भालेराव भूतनाथ रिटर्न्स टाइगर श्रॉफ हीरो पंती सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं ताहिर राज भसीन मर्दानी क्या चाहिए बोलो शक मारती है पुलिस शारिब हाशमी फिल्म स्टार और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में सारी जिंदगी फवाद खान खूबसूरत टू गिव अवे दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज आलिया भट्ट एंड इम्तियाज अली मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू मेल goes to Tiger Shroff for Hero Panti. Thank you, Imtiaz sir, Alia, thank you. Thank you, Kabal sir, Parinidhi. Good evening. Congratulations, Tiger. I'd like to start by thanking Star Guild Awards. Thank you so much. I'd like to dedicate this award to Sajid sir or Sabir sir. Thank you so much. I dedicate this to you. Thank you so much. Tiger. Bollywood debut तो आपके नाम हो ही गया है. Game show debut भी इसी stage पे करवा देते हैं. ये game है ही taste का actually. Oh. Okay. आपके मन में क्या आता है जब मैं ये flavors का नाम लेता हूँ? आपको एक word में बताना है. कौन से actors का नाम आता है? क्लासिक सॉल्टेड आलिया भट्ट शुरू से था कि अभी उन्होंने उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं नहीं शुरू से था ओके मैजिक मसाला प्रियंका चोपड़ा आप कारण बताएंगे क्यों जी नहीं अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें लगेगा आपके मन में कुछ गलत है अगर आप कारण बता देंगे तो बच जाएंगे सर उनमें वो बात है पता नहीं टाइगर श्रॉफ ने टाइगर शरीफ एक्चुअली तो आपको पता है आपके पापा ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रियंका जो है वो मैजिक मसाला लगती है यार बाप बेटा सलाह तो कर लिया करो अलग अलग ऑप्शन रख लिया करो ओके हु डू यू थिंक इज चिली लेमन कपूर रीजन क्योंकि वो लाल पहनी है आज
Red like a chili. Lal mirchi. And what about her? Black pepper? Kuch mat keh. अरे वो अगर लाल पहन के ही तो लाल मिर्ची तो काला पहन के काली मिर्ची सीधी सी बात है. अब तुम मेरे पे सोचोगे कि नीले रंग में क्या निकलता है. जब तक नीले रंग में निकले अगला अवार्ड निकल जाएगा. थैंक यू टाइगर. थैंक यू सो मच टाइगर. एंड नाउ फॉर पॉपुलर अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू फीमेल एंड द नॉमिनेशंस आर प्रज्ञा यादव हवा हवाई. मैं विनीत की गाड़ी से टकराकर. रकुल प्रीत सिंह यारिया. कृति सैनन हीरोपंती. हिमर्षा वी रो. शिकार नहीं करती. प्रियंका शर्मा मर्दानी. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे आयुष्मान खुराना एंड डॉक्टर दीपक नाम जोशी. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. The most promising debut female award goes to Kirti Sanon for Hero Panthi. Congratulations. थोड़ी थोड़ी कथई सी उसकी आंखें. Good evening, everyone. Firstly, I would correct. It's not Kirti, it's Kriti. और कृति आपका नाम तो इनको बिल्कुल वैसे भी सही लेना चाहिए बिकॉज कृति को अवार्ड देने कृति केयर वाले आए हैं. Thank you, Stargild, for this. I have to thank a lot of people. First and foremost, Sajid sir and Sabir sir. Thank you so much for giving me Hero Panthi. I think this film is going to be special to me all my life. Thank you. Pari, ek kaam karo. Baby doll se kaho, jaldi se char bottle vodka leke aaye. Nahi rehne do Kapil yaar. Auntie police bula legi. आप लोग ये ना समझिए हम मूड बना रहे हैं. हम लोग एक्चुअली हिट हिट गानों के लिरिक्स जो हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि अगला अवार्ड है बेस्ट लिरिक्स के लिए एंड द नॉमिनीज आर रश्मि सिंह मुस्कुराने सिटी लाइट्स अनविता दत्त लंदन थमकता क्वीन पूरा लंदन थमकता मेरे दिल कुमार समझावा हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया मनोज मुंतशिर गलियां एक विलन इरशाद कामिल पटाखा गुड्डी हाईवे स्वानंद किरकिरे भगवान है कहां रे तू पीके और ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर रितेश देशमुख और साहिल संगा जी. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कपिल Pariniti, hi. You guys are doing a great job. Thank you. So the Renault Star Guild Award for Best Lyrics goes to one of the pillars of the film, Manoj Muntashir for Ek Villain, Galiyan. Thank you, Guild. Thank you, Ritesh sir. Thank you, Balaji. Neelam Muntashir, my wife. Tum na hoti to shayad ye na hota. Aur ek choti si baat kehna chahunga ki jo marne ke liye jeete hain, jeene ke liye marte. Zamane tune jaanbazon ki wo nasle nahi dekhi. Girenge jitne angare, khelenge phool utne hi. Abhi tumne hamare khwabon ki fasle nahi dekhi. Thank you, Ritesh. Congratulations, sir. जो अगला अवार्ड है वो है बेस्ट म्यूजिक के लिए एंड द नॉमिनीज आर अमित त्रिवेदी लंदन थमकदा क्वीन यो यो हनी सिंह सनी सनी यारिया दिमेश रेशमिया जुम्मे की रात किक विशाल भारद्वाज बिस्मिल हैदर अंकित तिवारी गलियां एक विलन Meet Brothers and Anjan, Baby Doll, Ragini MMS2, A.R. Rahman, Pataka Guddi, Highway. और इस अवार्ड को देने के लिए हम स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर सोनू सूद एंड मिस्टर सवन किरकिरे जी को. So the Renault Star Guild Award for the best music goes to
Mr. Ankit Tiwari for Galiyan from Ek Film. I really would like to thank my director Mohit, sorry, and Shraddha also. Thank you, Ankit. Thanks, Ankit. अब वक्त है एक बहुत ही खास अवार्ड का, द गिल्ड प्रेसिडेंट्स अवार्ड। ये अवार्ड उन फिल्मों को ऑनर करने के लिए है जो अपनी क्वालिटी और क्लटर ब्रेकिंग अप्रोच से हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड शुरू कर रही हैं। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर गिल्ड के प्रेसिडेंट मिस्टर मुकेश भट्ट साहब को। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये जो अवार्ड जो है फिल्म प्रेसिडेंट की जो चॉइस है वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल अवार्ड है, क्योंकि ये उस फिल्मों को या उस फिल्म को दिया जाता है जो अपने दायरे से आगे बढ़ जाते हैं, बट दे ब्रेक द थ्रेशोल्ड ऑफ व्हाट फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट। इसलिए इस साल मैंने दो फिल्मों को चुना है। पहली फिल्म जो मेरे दिमाग में आई उस फिल्म का नाम है हाईवे। I saw that film, the efforts of Imtiaz Ali, the efforts of Alia, my baby, the efforts of Randeep Hooda, my darling actor, Randeep, I love you, and the biggest effort of Sajid Nadurala, my producer friend, who backed this team. Please come up on stage. I welcome all of you for this honor, which you rightly deserve. अब मुझे पता चला इम्तियाज सर लेट क्यों आए, इनको भाग के आना था ताकि बाल उड़ते हैं स्लो मोशन में। सर ये नॉर्मल स्पीड पे दिखा, हाई स्पीड पे नहीं दिखाना हमें। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी एंड द गिल्ड। नाउ दैट यू हैव बेस्टोड दिस ऑनर अपॉन अस, वील ट्राई टू डिजर्व इट। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, ऑल द यूजुअल सस्पेक्ट्स, मोस्ट ऑफ देम आर हियर, पार्टनर्स इन क्राइम फॉर दिस। एंड थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर। इफ यू कीप मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस, there's another film which made a deep impact in my mind. Aisi ek mahan hasti, ek mahan aurat ka naam main lena chahunga, jiska naam hai Mary Kom. An amazing personality, play a role of a living legend like that is not a joke, and hats off to you, you did a brilliant job. Please come on stage, you need to be applauded, the entire team needs to be applauded. Please come on stage, every technician involved, the producers. Thank you, Sanjay sir. I'll see you tomorrow morning on set, but as of now, this film, it has been an extreme team effort. We really wouldn't have gone past day 5 if it wasn't all of us fighting and eating and literally doing everything together for such a long time. So thank you, team, for giving me Mary Kom. Thank you. अब है एक और स्पेशल अवार्ड की बारी। ये अवार्ड है उस अभियान के लिए जो हमारे देश को सुंदर से बहुत सुंदर बना देने वाला है। बस जरूरत है सारे हिंदुस्तानियों के जागरूक होने की। जी, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्हीं के लिए है हमारा अगला अवार्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स सेलिब्रिटी फॉर अ कॉज। एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर वरुण धवन, नितिन चौधरी, बिजनेस हेड HT मुंबई। ओके, सो द HT सेलिब्रिटी फॉर अ कॉज गोज टू प्रियंका चोपड़ा। When the PM
nominated me as his Navratan, सबसे पहले तो मैं बहुत excited हो गई थी कि अरे वाह Prime Minister मेरा नाम जानते हैं. So I was very very excited about it. So I took it very seriously, and I would really like to say a big thank you to the Guild for acknowledging that. I was very excited about what I did, and thank you very much. I'm very excited for this award. वरुण वरुण आपसे दो बातें करनी है लोगों की फरमाइश पे. आप वापस जरा स्टेज पे आएंगे. लोगों की फरमाइश कुछ और है जो आज. सबसे पहले तो आपको आपकी नई जो फिल्म आ रही है बदलापुर उसके लिए एडवांस में बधाई. आप बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं. थैंक यू सर. कुछ उसके बारे में बताएंगे आप. इसके पीछे सिर्फ मेरे जो डायरेक्टर है श्रीराम राघवन का हाथ है जी. ये फिल्म बहुत ही सीरियस है इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता फिल्म के बारे में. Okay. बस यही होगा कि बहुत ही प्यार से और दिल से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने. एंड इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स अबाउट व्हाट अ मैन वेंट थ्रू. अ फैमिली मैन लाइक मेनी ऑफ यू ऑल सिटिंग ओवर हियर एंड मेनी ऑफ यू ऑल वाचिंग इट होम. और जब वो रिवेंज लेने में चला गया सो व्हाट पाथ ही चोज एंड व्हाट लेवल ही फेल उसके बारे में. सो प्लीज गो वॉच द फिल्म ऑन फेब 20th. और जी करदा सॉन्ग इतना पॉपुलर पहले ही हो चुका है तो फिर मैं चाहता था कि आप वो गाना गाए. अगर आप लोग चाहते हैं कि वरुण उसी गाने में डांस करे तो एक बार ताली बजा दीजिए अभी अभी. नहीं मेरा सूट बॉय लाइए पब्लिक डिमांड. वरुण आई कांट बिलीव एनीथिंग कैन स्टॉप यू. आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन स्टॉप यू टुनाइट परिणीति. व्हाट नो वी आर टॉकिंग. मैं करूंगा परिणीति के साथ करूंगा आज. व्हाट नो. नहीं भी इंप्रोवाइज कर रहा है तुम आज. प्लीज छल्ली कर दे सीना मेरा. छल्ली कर दे सीना मेरा. छल्ली कर दे सीना. मुझे पता होता ना वरुण इतना डांटोगे परी को. The strongest hero goes to Varun Dhawan. Varun, मैं जानना चाहती हूँ ये तुमने कैसे किया. वरुण तो अहिंसा पे उतर आए. वरुण क्या तुम सांस ले पा रहे हो. Guys, please go watch Badlapur because VD is looking damn hot in the promos. और अब मैं परिणीति को थैंक्स कहना चाहूंगा. थैंक यू परी. हम बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ. सर पीके का असर देख लीजिए आप. हर कोई अपने आप को पीके समझ रहा है. ये थोड़ा कम पीके आए हैं. ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है. जी भाई साहब कहाँ से आए आप. हम जीके हो. क्या है. जीके. जीके आलिया को ढूंढने आए. अरे नहीं जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं. हम पीके का दादा जीके हूँ. पीके का दादा जीके. हाँ मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब. अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं. आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी किसी की बात. नहीं आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है. वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है. तो पीके काफी सक्सेस हो गई. कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो. आप गलत जगह पे आ गए. अरे नहीं नहीं जी हमार गोले में शराब मिलती नहीं. आपके गोले में शराब नहीं मिलती. हाँ. आपका गोला गुजरात में पड़ता है. मेरे को एक बात बताइए सर. यह ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं. हाँ. अच्छा ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है. अच्छा बड़ा बदमाश हो. मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए. आई अरे बाप रे आप तो सच्ची में बता सकते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है यार. थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर. नहीं आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए. यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार. उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनमें मन में क्या चल रहा है उनके मन में. हाँ पक्का. ये काम हम कर सका. कर सकते हैं. हाँ आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास. सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है. अक्षय पाजी यहां बैठे हुए हैं.
8 बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका, 9:30 बजे हम सोने जा रहा था वो भी मिस हो गया, और सुबह 5 बजे हमारी एक्सरसाइज का टाइम वो ना ही मिस हो सका। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। नहीं पंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके ये हाथ पकड़ के बता देता है। अरे अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर, ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी एक बार अनिल कपूर साहब के लिए, जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे, ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए, सिग्नल पकड़ता है। हाँ मैं पकड़ गया, इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे 3 डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजते, आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आगे बैठ जाते। इनको बहुत बहुत बधाई, ये पिता बने हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं। जीके साहब आप किसी के दिल में कुछ भी चल रहा हो बता सकते हैं आप। हाँ ऋतिक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। जी एक बार हमारे जीके साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे हिसाब से क्लीन करे जो हीरो है वो, कीप योर सिटी क्लीन। आगे है लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन का लेजेंडरी परफॉर्मेंस। पिटले से बातें क्यों करती हो शर्म, पिटले से बातें। और हीरोइंस के ऑडिशन में मचा धमाल। तेरे बिना जिंदगी से कोई आप नहीं करते, मैं आगे गाता नहीं, मैं उनके लिए गाता। They love गर्मी, I just love it, it's my favorite thing. गर्मी अच्छी लगती है तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी, केरला में कर लेते। आलिया और प्रियंका के जवान जलवे। और कई सितारों का पर्दाफाश। अच्छा फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही? वेलकम बैक टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स। और अब इस शाम का सबसे खास एक्ट द शहनशाह ऑफ बॉलीवुड इन एसोसिएशन विद अवर स्पॉन्सर हिंदवेयर, देखिए महानायक अमिताभ बच्चन का लेटेस्ट ऑब्सेशन पिडली। खुशी का है राज फिल्म है नाज फिल्म, जिंदगी का है बाप फिल्म, हम सभी औलाद है फिल्म, जान फिल्म फिल्म, जुनून फिल्म है, दर्द फिल्म, दवा है फिल्म, दुआ है फिल्म, जुम्मा जुम्मा नमाज फिल्म, हंसी खुशी का है राज फिल्म है नाज फिल्म, जिंदगी का है बाप फिल्म, हम सभी औलाद है फिल्म, जान फिल्म रूह फिल्म। Thank you.
चाल फिल्म है, ढाल फिल्म है, बुल्ली फिल्म है ये अदा, बाल फिल्म है, हाल फिल्म है, बुल्ली फिल्म है ये फिजा, जीना कैसे जीना फिल्म बिना बिना, शुक्र खुदा का फिल्म है ना है ना, सलाम फिल्म, सलाम फिल्म, सलाम फिल्म, सलाम फिल्म। बातें क्यों करती हो शर्मा, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे, मैं सच करूंगा तेजते, पिल्ली इरादे, पगला हूं यार, पगला है प्यार, ऐसे ही चलता है ये कारोबार, प्यार के साए में सब पिल्ली है यार, पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्मा, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे, मैं सच करूंगा तेजर, पिल्ली इरादे, वादे मुरादे ये है। के आगे सारे हाँ पिल्ली पिल्ली, आना याना जरा याना, तू जो है तो सपने पिल्ली पिल्ली, सोचा है मैंने वो जो सोचोगी तुम कभी, सोचो से आगे जाने में है मजा, ख्वाबों से आगे जो भी देखोगी ख्वाब तुम, ख्वाबों से आगे चलने में है नशा, नशे के साए में सब पिल्ली है यार, पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्मा, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे, मैं सच करूंगा तेजते, पिल्ली इरादे, पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्मा, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे, मैं सच करूंगा तेजते, पिल्ली इरादे, पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्मा, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे, मैं सच करूंगा तेजते, पिल्ली इरादे, वादे मुरादे ये है। अरे भाई तू इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है भाई? हाँ हेलो, क्या राइटर ने गाने का लोकेशन पेरिस लिखा है? अबे उसको क्या प्रॉब्लम है, 2 रुपए की पेन लेके 40 लाख का खर्चा लिख दिया उसने। तू एक काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे। हाँ हाँ, गाना पारसी कॉलोनी में करेंगे। अच्छा ठीक है, सुन मैं अवार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर। हाँ भाई साहब, आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं नहीं मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को, दे भी देते हैं। कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखी आपने? आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब मेरा बजट थोड़ा कम है।
बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो, पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक, यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी, देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है, ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं। जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ, मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। यार तुम अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं, ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे, यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है, वो प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा। चलिए ना ट्राई करने में, प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका, हाउ आर यू मैम, नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं जी? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। Please. और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, तो क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है, सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है। फोन लाइए, आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। Thanks, Kapil. No, Priyanka, it's for you only from my side. Aww. Keep missing me. I always do. My pleasure. बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। Thanks, Kapil. Thank you, Priyanka. Thanks, Kapil. Can I have a mic back, please? If you ask me for it, Kapil. ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर हैं यहाँ पे, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी, इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं, लाल बिंदी लगा लूं, तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी, तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। ओहो, हॉरर कॉमेडी, सुपर सुपर प्रोड्यूसर साहब, क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए जोरदार ताली हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यू शुड ट्राई बेबी, कम ऑन, please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा, जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा, रंधवा बोल रही है, फिर भी घमंडवा, क्या बात है, everything is fantastic, मतलब जो भी आपने बोला, everything is fantastic, नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई, मैं आ नहीं रहा हूं, मैं पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको, बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। सो देन जस्ट गिव मी द फोन ना, फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी, राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिलों दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। ये तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का।
शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, जो थर से खोला और फर से पी गए इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मेरा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसे हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए इतना करीब आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब। ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए आप क्यों बैठे हुए उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी, हम तो बैठे नहीं। ये लो आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ। पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट नो मैन। आई डोंट नो मैन, इवन आई डोंट नो, तो मैं बैठ सकता हूँ। आ जाइए। अच्छा आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका आपके मुझसे कभी गाना नहीं, मुझे पता आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? यस। पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई आप ओहो नहीं करते, मैं आगे गाता नहीं। मैं उनके लिए गाना। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे। शिकवा नहीं आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। स्टोर या नंबर? या आई हैव ऑलरेडी स्टोर। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर पीछे कृति बैठी हुई है, हाँ। आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ बुलवाएंगे ना। कृति आप एक सेकंड आएंगी जरा बाहर, आपको इनको साइन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ। नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है झंडवा फिर भी घमंडवा, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक वे में बोलना है आपको, प्लीज। आप बहुत दूर हैं एक्चुअली। ओ मैं आप मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में फिर भी घमंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में, ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सीएस्ट फोन फॉर द सेक्सीएस्ट लेडी। थैंक यू, शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो, तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है, क्या सब तो ठीक चल रहा है? तू ऐसे की कर रहा है यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुनिए भाई साहब जी, अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं या अपने एंजॉय करने आए हैं? मैं यार तो मैं करूं ना, हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार। रोमांटिक डायलॉग बोलना है? हाँ। दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा। चलिए भागिए यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आपको। हमारा भाई साहब टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास, टाइम ऐप का है। अच्छा ये देखिए, ये ऐप की मदद से मैं घर जाऊंगा। अच्छा हाँ चलो निकलो, टाइम पे निकल रहा हूँ। लेकिन सुनो इसमें से कुछ सिलेक्ट करके भेज, मैं डेफिनेटली भेजता हूं, कंफर्म कर देना। डेफिनेटली थोड़े सिलेक्ट। बाय बाय, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज तो आ रही लेकिन आप है कहां? मैं यहां हूं कपिल, हाय। अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड। आपका माइक ऑन रह गया शायद। हां अरे अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार, किसने ऑन कर दिया पता नहीं, प्लीज स्विच ऑफ माय माइक। लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ वैसे। ये क्या बात हुई, आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं मैं होस्ट करूंगा, मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, वाह मतलब
मैं एक बात नहीं समझ में आया जी कि आप एक तो माइक लगा के आए ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए ऐसे हाँ। क्यों क्या है कपिल की देखो क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और ये तुम्हारा पहला बार है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इंप्रूव कर सकते हो लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया हाँ, क्यों आया आप क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है अच्छा मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है ओके और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था हाँ। क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है हाँ लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है लव गर्मी आई जस्ट लव इट इट्स माय फेवरेट थिंग गर्मी अच्छी लगती है तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी केरला में कर लेते बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने क्या हुआ जब मैंने हैदर की हम सबको ठंड लग गई हमारी टांगे दो महीने तक हिलविल नहीं रही थी तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी ओके चलो ये अच्छा हुआ शाहिद आप आ गए आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए जी इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ इस साल तो नहीं पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है आपकी फिल्म आ रही है मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें ओह माय गॉड पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है बहुत अच्छा सवाल अच्छा तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे ओके और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है ओके और राइट वाला कहाँ है राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना अच्छा अवार्ड मिलने के बाद की हाँ, मिलने के बाद तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ऐसे गला साफ कीजिए बेस लाइए अपनी आवाज में देन से थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स रियली रियली फैंटास्टिक टू बी हियर इन द मिडल ऑफ ऑल योर पीपल उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है okay. उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे को एक्टर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कश्मीर के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का नहीं लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना हाँ लेकिन क्या है मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूं तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहां स्पीच बोल देता हूं अवार्ड मिले ना मिले क्या पता स्पीच तो बोल देनी चाहिए मतलब अपना अपना देखो अपना अपना देखिए मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं जी काफी ओवर टू यू आप करिए जो भी करना चाहते हैं मैं तो पीछे बैठ के देख रहा हूँ सेंटर पे मैं खड़ा हूँ सेंटर पे आप बैक स्टेज में मैं पक्का देख के शाहिद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बन जा सुपरमैन एंड पुट ट्रैश इन योर कैन रियली प्लीज 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 कीप योर सिटी क्लीन आगे है दीपिका और आलिया के बीच का प्यार आलिया और प्रियंका के जवान जलवे अनिल कपूर और ऋतिक रोशन की हंसी का तड़का जगास इसको बोलते हैं सर दोस्ती यू नो अपब्रिंगिंग अब दिल थाम के बैठिए इस पटाखा गुड्डी के लिए प्रेजेंटिंग आलिया भट्ट
एक फिल्म की कहानी अक्सर हीरो हीरोइन और विलन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सपोर्ट कास्ट के बिना एक फिल्म ऐसी होती है जैसे नींव के बिना दीवार. लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनेशंस फॉर पॉपुलर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल प्लीज. एंड द नॉमिनीज आर नसीरुद्दीन शाह फाइंडिंग फैनी, रणदीप हुडा किक, रोनित रॉय टू स्टेट्स, लड़कियां तो आती जाती रहेंगी, अभिषेक बच्चन हैप्पी न्यू ईयर, वर्ल्ड फेमस किस्मत की खास, इरफान खान गुंडे, इरफान खान हैदर, आप फानी. एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड मे आई इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर राजकुमार हिरानी, सुदर्शन गंगराडे, वीपी मार्केटिंग ओला कैब्स. ओला एवरीवन, ओला मीन्स हेलो. ओला इज इंडियाज लार्जेस्ट कैब बुकिंग सर्विस. वी आर वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद द स्टार गिल्ड अवार्ड्स. द बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल इज अभिषेक बच्चन फॉर हैप्पी न्यू ईयर. Sorry, Abhishek is not here, but I would like to thank Star Guild for recognizing our film. Happy New Year. And of course, Abhishek would like to thank a few people. Thank you so much. Thank you so much, sir. The next category is the popular award for best actress in a supporting role, and the nominees are Huma Qureshi, Deed Ishkia, Lisa Hayden, Queen, Mama or Bachcha, Go to India, Dimple Kapadia, Finding Fanny, Amrita Singh, Two States, Revati, Two States, वो everyday हमारे घर आता था, हम ना नहीं बोल सकते. Tabu, Haider. The best actress in a supporting role, to my favorite, Tabu for Haider. It's really nice to get this award from the Guild, from what I consider my fraternity, and I want to especially thank the film fraternity. They have been so supportive of me and my work in Haider and always before that. So thank you, everybody. Thank you, Raju. Thank you, thank you, thank you very much. Next is the K. Abbas Award for Social Consciousness in Cinema. इस अवार्ड का नाम अनाउंस करते ही मुझे बहुत गर्व होता है और अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एहसास होती है, क्योंकि मैं भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की विशाल विरासत का एक छोटा सा हिस्सा हूं. वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, पर नाना जी हैं. के अब्बास साहब जितने अच्छे डायरेक्टर थे, उतने ही बेहतरीन स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट भी थे. तो इस साल का के अब्बास अवार्ड फॉर द सोशल कॉन्शियसनेस इन सिनेमा देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली मिस्टर प्रसून जोशी. लेडीज एंड जेंटलमैन, I was told that this award was started last year जब श्री अमिताभ बच्चन जी ने ये रिक्वेस्ट की और ये सजेशन दिया कि इस तरह का एक अवार्ड होना चाहिए. इस अवार्ड के लिए चुना गया है सिटी लाइट्स को. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने. अब बारी है उस अवार्ड की जिसके लिए एक्टर को बहुत सीरियस काम करना पड़ता है ताकि हमारी ऑडियंसेस को हंसा सके. पंकज कपूर फाइंडिंग फैनी, डिंपल कपाड़िया फाइंडिंग फैनी, लास्ट ऑर्डर है. परिणीति चोपड़ा हंसी तो फंसी, तो आप मेकफुल से ज्यादा मिलता है. सिंगल स्क्रीन का सुपरस्टार गोविंदा हैप्पी एंडिंग, भाई कहते हैं कि वरुण धवन मैं तेरा हीरो, मुझ पर कोई ऐसा नहीं. टू प्रेजेंट दिस अवार्ड प्लीज वेलकम उमंग कुमार एंड वी कृष्णमूर्ति, वीपी मार्केटिंग हिंदवे. द रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल गोज टू वरुण धवन फॉर मैं तेरा हीरो. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. First of all, just to be nominated in this category is a very big deal for me, coming from the family I come from. I have to say, a bigger deal for me is to be nominated in the same category like Govinda.
He's one actor, I think, that still has not got his due because of how brilliant he is. So I actually would like to dedicate this award to Chichi Bhaiya, to you. And you are someone who motivated me all through my life. And I think more comedies should be made and more actors should try and do comedies, because it's just good to make people laugh, I guess. Thanks, Zach. अब वक्त है उनको फेलिसिटेट करने का, जिनकी वजह से हीरो हीरो कहलाता है. एक हीरो का कद उतना ही ऊंचा होता है जितना उनके सामने खड़े हुए विलन का होता है. देखते हैं ईयर 2014 में किन नेगेटिव परफॉर्मेंसेस को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. तो देखें क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी किक, कौन पैदा हो गया, ताहिर राज भसीन मर्दानी, गोविंदा किल दिल, और एक लफ्ज और कहा तो कर देंगे यहीं पर. के मेनन हैदर, आप मिलने गई हैदर से, जब मैं तुम जैसी. रितेश देशमुख एक विलन, तुम मतलब पार परवर. And to present this award, I would like to call upon stage Mohit Suri and Gulshan Grover. Good evening, Subhaji. Thank you very much for making me bad man. And the award, Renault Star Guild Award for Best Performance in a Negative Role, goes to... Woo! Ritesh Deshmukh for Ek Villain! बहुत बार ऐसा था कि लोग पूछते थे, सवाल पूछते थे कि तुम हमेशा कॉमेडी फिल्में करते हो, दूसरा क्यों नहीं करते. तो आपके बहुत सारे सवालों के लिए ये मेरा छोटा सा जवाब. शक्ति जी पेड माय फादर इन माय फर्स्ट फिल्म, इन माय डेब्यू फिल्म तुझे मेरी कसम. एंड व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज वर्किंग, ही कॉल्ड मी, ही मैसेज मी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, तेरा रोल सबसे अच्छा है, मेरी बेटी है, प्यार से मारना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. अगला अवार्ड है द स्टार प्लस शाइनिंग सुपरस्टार अवार्ड. इस अवार्ड को देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सोनू सूद एंड दीपिका सिंह. रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द स्टार प्लस शाइनिंग स्टार एंड द विनर इज श्रद्धा कपूर. First of all, thank you, Star, for this award. It's very, very special. मैं अपने parents को thank you बोलना चाहूँगी, अपनी family को thank you बोलना चाहूँगी, अपने friends, Aditya Chopra, Mohit Suri, Ekta Kapoor, Vishal sir, the whole team of Ek Villain, of Heather, everybody who has made both the films remembered in their own special ways. Thank you so much. I will really, really cherish this. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, zordar taliya ho jaye ek baar phir Pariniti Chopra ke liye. Coming up next is the popular award for the best female singer, my personal favorite award, and the nominations are Shreya Ghoshal, Aarat Bhar, Heeropanti. Shreya Ghoshal, Samjhawa, Amti Sharma Ki Dulhaniya. Shreya Ghoshal, Manwa Lage, Happy New Year. Kanika Kapoor, Baby Doll, Ragini MMS 2. Sultana and Jyoti Nooram, Patakha Guddi, Highway. Shreya Ghoshal, Char Kadam, PK. To present this award, may I please call on stage Pallavi Sharda. The Renault Star Guild Award for Best Female Singer goes to Kanika Kapoor for Baby Doll. Woo! From Ragini MMS.
I'd like to firstly thank Meet Bros and Anjan for giving me this opportunity and calling me all the way from London to come and sing Baby Doll. And a new journey for me, actually. And I hope you all love the rest of my music. So thank you so much. Next is the popular award for the best male singer. And the nominations are... Love Janjua, London Thumakda, Queen. Pura London Thumakda. Arijit Singh, A Raat Bhar, Hero Panti. Arijit Singh, Samjhava, Humpty Sharma Ki Dulhaniya. Sukhvinder Singh, Bismil, Haider. Ankit Tiwari, Galiya, Ek Villain. Arijit Singh, Hamdard, Ek Villain. Shaan, Char Kadam, PK. And the Renault Star Guild Award for Best Male Singer goes to Ankit Tiwari for the song Galiya from Ek Villain. मैं एक लाइन गाना चाहूंगा तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां थैंक यू फिल्म्स में अगर गानों के बाद कोई चीज ऑडियंस बार बार दोहराती है तो वो है उस फिल्म के डायलॉग्स अगला अवार्ड ऐसे ही डायलॉग को फेलिसिटेट करने के लिए है जिसे इस साल सबसे ज्यादा लोगों ने अपनाया और बार बार दोहराया द बजाते रहो डायलॉग ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम रेड एफएम टू प्रेजेंट दिस अवार्ड आई'd लाइक टू कॉल ऑन स्टेज विकास बैल एंड आरजे मलिष्का Hello, Pariniti. Bajate raho. Yes, thank you. I hope you're a singer as well. Good evening, everybody. I'm very proud and happy to present the Renault Star Guild Award for the most popular film dialogue on radio, brought to you by Red FM 93.5, goes to... Oh, look this way, Priyanka. Mary Combs dialogue! Woo! This award would not have been possible without the people who wrote it. Karan, Ram, Saivan. The voice of this film has been these two. The concept has been Saivan. And this one's for you guys, okay? Kabhi kisi ko itna bhi mat darao ki dar hi khatm ho jaye. Thank you, ladies and gentlemen. अगला अवार्ड है उस यंग सुपरस्टार के लिए जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स के दिलों में धमाल मचाया द जियोनी मोस्ट स्टाइलिश यूथ आइकॉन अवार्ड और ये अवार्ड देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी दीपिका पादुकोण और अरविंद बोरा हेड ऑफ जियोनी को जियोनी मोस्ट स्टाइलिश यूथ आइकॉन इज Alia? Yeah! But Alia, I'm taking this award and going now, bye. I'm actually quite shy to be taking this award from you. Yeah. Oh. Clearly, I don't deserve this award at this very moment. On behalf of actually all actresses, we put a lot of effort into looking stylish, yeah. Nowadays, it's like stress. Like 2 days before, what will I wear? How will I look? How's my face looking? How's my hair looking? You know, Paris agreeing, I'm with you, na, nodding yeah, away. I'm with you. Especially when we, you know, don't feel good some days. We have to still look stylish, even if you come off a plane with, you know, lots of plane journey. You know what I mean, right? Like, all actresses are saying hooray at this yeah, point. Yeah, na? So thank you. I will accept this award on behalf of all my fellow actresses, all my beautiful friends. Thank you for this award. Hope I continue to remain stylish and I think I should stop talking. Thank you. Thank you for this award.
इस साल कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े. इनफैक्ट इस साल जितनी फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है. और इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड का अंजाम देने वाले फिल्म मेकर्स को स्टार गिल्ड आज सम्मानित करने जा रहा है इन द रिनॉ स्टार गिल्ड हॉल ऑफ फेम. एंड आई'd लाइक टू इन्वाइट मिस्टर मुकेश भट्ट टू डू द ऑनर. I would like to invite each team one by one. The first team, of course, is from Bang Bang. Thank you so much. I accept this on behalf of the entire cast and the crew, and especially Sid. Thank you, Sid. This is truly because of you. Thank you. Thank you, everyone. Thanks. Thank you. I would also like to call Mr. Ramesh Sippy to give out the rest of the awards. The next team from the more than 100 crore club is Ek Villain. The next one. कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. Happy New Year. And the next one. Holiday. The next film, a no-brainer, Jai Ho. And the next one, I think everybody knows why, it's Kick. The latest one and the biggest one, PK. The biggest of the year. Thank you, Vinod, for giving us PK. ऐसा कहा कुटर कुटर देख रहे हो. देखा नहीं कहा हमको पहले. हम आ PK. Good to receive this. Thank you so much. The next one. Singham returns. To hit a sixer again and again. Congratulations. Last but not the least, two states. Thank you, Sajid sir. Thank you, Karan. Thank you, Arjun. And thank you for this award. Thank you, Ramesh sir. Thank you, Mukesh sir. Please welcome India ke international star, Anil Kapoor. Show to ekdam hi jhakas hai. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मजे ले रहे हैं. और टुडे आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस द कंट्री सीईओ ऑफ रेनो मिस्टर सुमित साहनी को. सुमित साहब आप तो मुझे देखकर कुछ ज्यादा खुश हैं कि नहीं खुश है, क्योंकि हमेशा हर साल आप जब यहाँ आते हैं तो आपकी मुलाकात जो है वो सलमान साहब के साथ होती है. उनसे मैंने सुना कि आपकी बहुत बड़ी दोस्ती है. नहीं, आप भी मेरे बड़े दोस्त हैं. आपको भी देख के उतनी ही खुशी होती है. मगर मैं बड़ा दोस्ती हूँ, मैं छोटा हूँ. सुनने में आया कि मैं सलमान से काफी छोटा हूँ. जब मैंने ये कमर्शियल किया उसके बाद इनकी एक बहुत ही बेहतरीन एसयूवी थी डस्टर. और सुनने में आया कि उस कमर्शियल के बाद जो डस्टर जो एसयूवी थी वो हिंदुस्तान की सबसे डिजायरेबल एसयूवी में गिना जाता है.
ये अलग बात है कि अभी भी वो SUV मुझसे कम डिजायरेबल है, है कि नहीं? So today there is a big surprise and I want you to give the surprise yourself, a new surprise. So why did you do that? Exactly. जैसे हर साल रेनो गिल के फोरम पे हम कोई ना कोई गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं. So this year we want to again showcase our brand new car, a Renault Logi, which is an MPV. By the way, Renault is the inventor of MPVs in the world. And this is again a car which is youthful, dynamic, and you know, meant for progressive people like me. Absolutely. So bulaya jaye. So can we have the Renault Logi? तो यार ये गाड़ी तो वाकई जबरदस्त लग रही है. क्या क्या इसकी खासियत, बताएं कैसा लगता है आपको? मुझे तो जबरदस्त लग रही है. इसका सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में, जैसा कि हमारी कंट्री में बड़ी फैमिलीज होती हैं, यू कैन सी दिस कार हैज गॉट टू मच ऑफ स्पेस इन इट. मैं आपको एक आइडिया दूं? हाँ हाँ, ये जो आप पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली मेरे को फिट होती, तो ये गाड़ी आप मुझे दे दीजिए प्लीज. क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने गाड़ी सलमान साहब को दी थी, पर मुझे देना नहीं चाहते. आप देंगे कि नहीं मुझे गाड़ी? कैन आई हैव द कीज प्लीज? दीजिए प्लीज, दीजिए ना यार. नहीं यार नहीं, ये गाड़ी देखो, ही इज अ लार्ज हार्टेड गाय, बट एक्चुअली आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इज अ वेरी लार्ज हार्टेड. रेनो इज अ वेरी वेरी लार्ज हार्टेड कंपनी. ही इज अ वेरी लार्ज हार्टेड CEO, बट ऑनेस्टली आई डोंट डिजर्व दिस कार, जेन्युइनली. आई वांट टू आस्क द ऑडियंस ओवर हियर, ये गाड़ी किसको देनी चाहिए? देखो यहाँ बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं. देयर इज दीपिका ओवर हियर, देयर इज दीपिका, हाउ आर यू? देयर इज वसुन जी, बहुत, मैं बहुत बड़ा आपका भक्त हूँ, फैन हूँ मैं आपका. सुभाष जी सर, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपकी वजह से हूँ. अगर आपने मुझे काम नहीं दिया होता तो मैं शायद शादी भी नहीं करता. आपने मुझे साइन किया तो मैंने जाके सुनीता को प्रपोज भी किया. थैंक यू वेरी मच. प्रियंका जी एकदम झकास. साजिद, हाउ आर यू? इसने मुझे साइनिंग अमाउंट लेके भी ज्यादा पिक्चर में नहीं लिया. अरे टाइगर 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 यार, आई लव योर फादर यार, ही इज सच अ ग्रेट गाय, आई जस्ट लव हिम. यू नो आई हैव डन 13 फिल्म्स विद जैकी, 13 फिल्म्स एंसेंबलर, बिकॉज वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, इट फाइंड्स इट्स ओन लेवल. सो बिल्कुल डरने का नहीं, काम कर देगा. सो ये गाड़ी किसको देनी चाहिए? रितेश, ऋतिक जी, गुड्डू जी, ये गाड़ी हु डिजर्व दिस कार? आई एम आस्किंग द ऑडियंस. Okay, let's have an audience. Oh, किसको दी जाए? You deserve it. क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं यार ये सर, you see the thing, that the car is, you see, I'm not as young as this car. Come on, let's face it, I'm not delusional. ये गाड़ी में कुछ बात है, इसमें एक दम है, इसका फिजिक देखो, इसका फ्रंट देखो सर. ये जो है ये देखिए सर, ये कितना कमाल है सर, ये देखिए सर. यू नो यू फील लाइक जस्ट सो फैंटास्टिक, इट्स टेरिफिक, इट्स फैबुलस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. तो हु डिजर्व दिस कार, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आस्किंग यू. कम ऑन, रितेश रोशन, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक द कार. Sir, yaar, bahut, he's a bloody inspiration, yaar. He's die. No, it's all. No. Jagat. One more time. Haji, sir. Sir. Very difficult for me. Acha. To accept this car, because while I'm driving this car, your pose will come into my mind. Again and again, accident ho jayegi. Okay. So.
Jagas. Pose. Yes, sir. Ki, your hand. Mind blowing. Thank you. Thank you, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Sir, isko bolte hai, sir. Dosti. You know. Upbringing. Upbringing. It's upbringing. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, gaadi mein baithke jaate thi na. Chalo, aaiye, aaiye, sir. Aaiye, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Go green and help keep your city clean. आगे देखिए एक बेटे के जज्बात अपने पिता के नाम. The way to judge the size of a man is by the size of the problem that it takes to bring him down. And there is no problem in this entire world that can bring my father down. And that, ladies and gentlemen, makes him a giant of a man. आयुष्मान खुराना बना हवाई ज्यादा. शान में चली तो पे तो वो सरकारी होगी. हर देखना एक दिन नाम की अपने डाक टिकट जारी होगी. प्रियंका चोपड़ा के डांस मूव्स की रामलीला. और ब्रेक के उस पार वो चारों अवार्ड जिसका है सबको बेसब्री. रख सर तेरा हाथ फकीरा, राहों का तू ही वजीरा, कर दे पत्थर भी हीरा हो. के हाथों की लकीरे बदली तूने तकदीरे, तू है कोई पीर फकीरा हो. ओ शान में चलेंगी तोपे, तोप वो सरकारी होगी. शान में चलेंगी तोपे, तोप वो सरकारी होगी. हर देखना एक दिन नाम की अपने डाक टिकट जारी होगी. डाक टिकट जारी होगी. सियाही भी है तू, हर्फ भी लिखाई भी है तू. तू ही हुकुम भी तू, हाकिम भी तू, मेहरबान तू, जालिम भी तू, मालिक भी मुनाजिम भी है तू. सजा भी रिहाई भी तू, खूबी भी बुराई भी तू, खुदा भी खुदाई भी है तू. सूरज के साथ जब आएंगे खरी खस्ता बनमस्का, चंदा जी को भी लगाएंगे कटिंग चाय का चस्का. डाक टिकट जारी होगी. डाक टिकट जारी होगी. और अब वक्त है एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड का,
जब हम किसी शख्सियत को उसके एक दिन, एक फिल्म या एक सक्सेस के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के ग्रेट अचीवमेंट के लिए सम्मानित करते हैं, तो इस साल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा द डैशिंग हीरो सुपरस्टार मिस्टर ऋतिक रोशन जी को। Hello everyone. Thank you so much. This evening, I am going to talk about greatness. This man, he taught me that greatness is what greatness does. He also taught me that to be great when there isn't any audience to applaud you is in fact true greatness. You have to be great no matter what. He's not a man of many words. He'd rather crack a joke and make people laugh than talk about his own achievements and his victories. But through his actions, he has built an empire and a legacy that will be remembered forever. I remember a time when we were literally thrown out of our home. We were literally thrown out of our home because there was no money for rent. My sister and I slept on the floor. No fan, no chadar. I remember those days. 20 years he struggled. 20 years he served. It took 20 years for destiny to finally smile upon him and give him what he deserved. But I feel, I think, I know that his greatest achievement is right now in front of you on this stage. He had a kid who stuttered so much that he could not even say the word actor. And he was not just a kid, he was 18 years old. He still couldn't say the word actor. But he saw through that exterior and he recognized a spirit that lies within him as well. The spirit that says, I will not fail. I will conquer no matter what. I will do it. The way to judge the size of a man is by the size of the problem that it takes to bring him down. And there is no problem in this entire world that can bring my father down. And that, ladies and gentlemen, makes him a giant of a man. You're a true hero, Papa. I want to invite one of his best friends, Mr. Jitendra, Jitu Uncle, to come on the stage to give him his award. I've known Rakesh, we call him Gudu. I've known him for last 40, 45 years. We have been very good friends, me, Rishi Kapoor and him. Gudu is a great director today. For me to speak about him is very silly because everybody knows he's one of the most brilliant director producers we have. And he's proved it film after film, all the films that he's made, they're such brilliant films. And the father and son combination is so lethal, it is unbreakable. And I'm sure they're going to create big, big history. Gudu, we are very proud of you, you and your son. And I think it's my honor to be here to present this honor to you. सिनेमा का सबसे रोशन सितारा जिनका नूर वक्त के साथ बढ़ता ही गया, कभी अपने अभिनय से उन्होंने लोगों को दीवाना बनाया तो कभी अपने लाजवाब निर्देशन से। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने अपने हुनर और अपनी सोच से हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा, नया स्टाइल दिया।
राकेश रोशन ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को इसका एलियन दिया बल्कि पहला सुपर हीरो भी दिया। उन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़े बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नया मकाम, नई बुलंदी भी दी। पिछले 45 सालों से हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले राकेश रोशन का सम्मान स्टार गिल्ड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से करता है। Thank you, Ravi. Thank you, Tugu. It's a pleasure receiving this award from you, Ravi. And thank you, Star Guild, for this memorable honor. I'm not a very good speaker, so I have to read. I'm humbled and proud that my own fraternity acknowledged my small contribution to this magical industry. I've been in this industry for over 4 decades. And most people look back at life and think what they could have done better. But I believe looking forward is always better. And if you do look back, just look back, remember the people and thank them who have been with you through every challenge and difficulty in your pleasant journey. My wife, Pinky, knows me better than I know myself. She has seen my most difficult times and my most wonderful moments. She has played the role of the best supporting actor brilliantly. Thank you, Pinky. My children, Sunaina and Ritik, gave me the vision to push myself to higher limits. Thank you once again for acknowledging my work and all the great people who have been on my journey. But this is not the end. This is just the beginning. Thank you. And by the way, I just have to add one more thing, that he probably is the only director in this world who wakes up his actors by himself in the morning. He will go to their rooms at 6:30 outside, tuck tuck, Shahrukh, 6:30 ho gaye yaar. Guddu ji, Priyanka, come on at 6 o'clock. Well, that's how he gets the work done. Thank you once again, thank you. Keep the city cleaner and make it greener. Aage dekhiye. I'm supposed to announce best director. ये दो director हैं इस वक्त। अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, सलाम उस परिवार को जिन्होंने पिछले 60 सालों से ना सिर्फ हिंदी सिनेमा का साथ निभाया बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है। 200 से ज्यादा जबरदस्त फिल्में प्रोड्यूस करके मैं बात कर रहा हूं नाडियाड वाला परिवार की। और 2014 में इस फैमिली की थर्ड जनरेशन ने और माइलस्टोन पार किए क्योंकि इस साल इनकी एक नहीं, दो नहीं, चार चार फिल्में सुपरहिट हुई, हाईवे, टू स्टेट्स, हीरोपंती और किक। ऐसे ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूसर्स के सम्मान के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार को, तो प्लीज वेलकम द डैशिंग खिलाड़ी मिस्टर अक्षय कुमार। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का? मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जो एक्चुअली मेरा दोस्त सिर्फ फिल्मों के वक्त ही नहीं बल्कि मेरे स्कूल के
वक्त भी है। मुझे आज भी याद है 255 नंबर की बस होती थी जो वडाला से चल के वर्सोवा जाती थी और हम दोनों साथ में सफर किया करते थे। वो रोड को क्रॉस करना भी सिखाते थे क्योंकि वो सीनियर थे, रोड के ऊपर खड़े रह के बच्चों को क्रॉस करवाते थे और मैं भी उनमें था। एंड मेरी इतनी सारी यादें उस लड़के के साथ जुड़ी हुई है, मेरे दोस्त के साथ जुड़ी हुई है। मैं इतनी सारी फिल्में उसके साथ कर चुका हूँ। मुझे कभी ये भी मालूम नहीं था कि मैं मतलब उसके साथ कभी फिल्में करूँगा। पहली बात तो ये है कि मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं फिल्मों में आऊँगा। ये तो रही मेरी उसकी दोस्ती के बारे में। एक और बात कहना चाहूँगा उनके बारे में, अगर कभी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर एक ही इंसान को फोन करके बोल सकता हूँ और वो है मेरा दोस्त साजिद नाडियाडवाला। साजिद, आज 60 साल पूरे हुए हैं 60 years of नाडियाडवाला ग्रांड, so give him a big hand, come on guys. Good evening. Thank you very much, my fraternity. Thank you, my grandfather, to get us in this line. The first film he did in 1954 was Inspector. And from that time, the journey was taken from my uncle, my five uncles, my cousins. I am coming here and taking this award on their behalf. Thank you, fraternity, for making me a producer from a production controller 28 years earlier. Thank you very much. Thank you, Akshay, for those sweet words. Now I'm very excited. And my excitement ka karan hai ab hone wali performance. Coming up, next is the hottest, the sweetest and the sexiest girl in the film industry. Main unhe Mary bolta hai, lekin usse pehle wo Mary Kom ban gayi. Ab koi ladki boxing seekh le to darna to banta hi hai. Please welcome the very hot Priyanka Chopra. Yeah.
अब वक्त है उस एक्टर को अवार्ड देने का जिसके स्क्रीन पर आते ही लोग सीटियां बजाने लगते हैं, जिसके हाथ से 20 हो या 30 सारे गुंडे पिटके जाते हैं, जो हर मुसीबत से जीतकर लौटता है, जिसमें हर हिंदुस्तानी खुद को देखता है। तो देखते हैं कौन है वो एक्टर जिसे मिलने जा रहा है आज इस साल का बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल अवार्ड। राजकुमार राव सिटी लाइट्स, वरुण धवन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, तू काव्या से बहुत प्यार करता है, अर्जुन कपूर टू स्टेट्स, शाहरुख खान हैप्पी न्यू ईयर, शाहिद कपूर हैदर, हमसे बॉर्डर बॉर्डर, रणदीप हुडा हाईवे, तो त्रिपाठी को बाप बियाओगो, आमिर खान पीके, मत सब ठीक ठाक है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम श्रद्धा कपूर एंड सुमित सहानी, कंट्री मैनेजर रेनो इंडिया। The Reynolds Star Guild Award for Best Actor in a Leading Role goes to Haider, aa jaiye, Shahid Kapoor. Yeah, there's a very, very special film in my career. I want to thank everybody who's been a part of it. Tabu ma'am, who's here, who won an award that she so deserves. Shraddha, who's right here, who also won an award for this film. But I do miss the man because of which we're all here, Mr. Vishal Bhardwaj. I really miss him here. And I miss our team from UTV. I miss Siddharth. But thank you very, very much. अब बारी है इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस को चुनने की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल बहुत सी हीरोइंस ने चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, दैट्स व्हाई कंपटीशन इज वेरी टफ। तो देखते हैं किसने मारी है बाजी। कंगना रनौत क्वीन, प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम, आलिया भट्ट टू स्टेट्स, दीपिका पडुकोण हैप्पी न्यू ईयर, आज मुझे ये तो नहीं पता, रानी मुखर्जी मर्दानी, बात कर रहे हैं पर 30 दिन में पकड़ूंगी तुझे, याद रखना 30 दिन। आलिया भट्ट हाईवे, अनुष्का शर्मा पीके, बाहर होते हैं। द रेनॉल्ड स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, मतलब आज मेरे लिए इतना स्पेशल दिन है कि मैंने I'm giving this award to one of my all-time favorite actresses. Mujhe itna inspire karti hai. Priyanka Chopra. Priyanka,
मैंने इस फिल्म को उस वक्त पे शुरू की थी, which was about 4 days after my dad passed away, was so that I could pour all my grief into this movie. So this award means so much more than just a Best Actors Award. I would like to thank the Guild, Sanjay sir, Umang, and more than anything, Mary herself, who gave me. She opened up her doors of not just her house and her closets and her drawers, but of her heart to me, so that I could portray her with whatever justice that I could. So I would like to give this, dedicate this one to my dad. Thank you. Keep it cleaner, make it greener. Join the Clean My City campaign. मतलब कोई काम नहीं छोड़ोगे ना आप? आपने छोड़ा कुछ? क्या नहीं किया? मैंने सुना आप गाना भी लिख लेते हैं। अपने गाने में आप अक्सर खुद लिखता हूँ। ऐसा क्यों? मतलब अपना गाना आप खुद लिख के खुद गाते हैं, कोई और गाता नहीं है, या आप देना नहीं चाहते किसी को? नहीं, मैं देना ही नहीं चाहता किसी को, गाता भी नहीं वैसे। And the best film for this year goes to अब बारी है कैप्टन ऑफ द शिप, यानी फिल्म के डायरेक्टर को सम्मानित करने का। तुम सब विकास बहल क्वीन, बच्चे तुम्हारे जो सब पंगे हैं ना, उमंग कुमार मैरी कॉम, आठ कम्युनिटीज, अभिषेक वर्मा टू स्टेक्स, इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, विशाल भारद्वाज हैदर, गोलियां दागना, जिन आंखों से उसने तुम्हारी माँ पर फरेब डाले थे, इम्तियाज अली हाईवे, कोई फिल्म चल रही है और मैं देख रही हूँ, राजकुमार हिरानी पीके, हम पीके हूँ पीके, और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी इंडस्ट्री के द ग्रेट शोमैन मिस्टर सुभाष घई साहब। गुड इवनिंग। जब भी अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ, सालों से हम देख रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्टर, उनको जब अवार्ड दिया जाता है तो नॉमिनीज को वहाँ पर हॉल में बिठा दिया जाता है, उनका चेहरा बड़ा उदास होकर वहाँ से वो उठते हैं और वो चले जाते हैं। बट दिस इज़ ए वेरी रेयर ओकेजन विच आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब नॉमिनीज को भी स्टेज पर बुलाया गया, उनको भी आदर दिया गया, उनको भी सम्मान दिया गया। आप लोगों ने अच्छी फिल्मों को, अच्छे कलाकारों को सम्मान दिया, ये गिल्ड ही कर सकता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ आई एम सपोज्ड टू अनाउंस बेस्ट डायरेक्टर। दो डायरेक्टर हैं इस वक्त, विकास बहल और राजकुमार हिरानी। Director gets a great team together, and that great team helps him to make a film happen. Thank you. As Vikas said, I would like to really thank my team, which stood by me for those 5 years. Vinod himself, and my wife, she'll kill me if I don't say her name. So feel really honored, humbled, and thank you everyone for being with me. Thank you. अब last but not the least, बारी है इस साल की best film चुनने की। वो film जिसने box office पे ही records नहीं तोड़े, बल्कि करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। तो देखते हैं कौन है वो film जो आज history create करने जा रही है। And the nominees are Queen, Viacom 18 Motion Pictures and Phantom Films, Mary Kom, Bhansali Productions and Viacom 18 Motion Pictures, South Indian, Two States, Nadia Dwala Grandsons and Dharma Productions Private Limited, Film Star, Shringar Films, Satellite Pictures and UTV Motion Pictures, Heather, Vishal Bhardwaj and Siddharth Roy Kapoor. Hello, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Hello, hello. Headlights सी आंखें थी,
PK, Rajkumar Hirani Films Private Limited and Vinod Chopra Films. एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था PK. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा प्रियंका चोपड़ा को. And the best film for this year goes to PK. बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है और उनको अच्छी लगी है. बिकॉज एज यू ऑल नो दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस एंड अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म फॉर अस. सो वी रियली थैंक ईच एंड एवरीबडी एवरीबडी इज वॉचिंग दिस शो ऑन टेलीविजन पीपल हु आर हियर फॉर सपोर्टिंग PK. थैंक यू सो मच. वो जो फीलिंग होती है पहली बार अवार्ड जीतने की, दैट काइंड ऑफ नेवर कम्स बैक. सो इट्स वेरी स्पेशल, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. थैंक यू. दिस इज अ वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड बिकॉज प्रोड्यूसर्स देते हैं, अपने ही फ्रेटर्निटी देते हैं, तो ये मिलकर बहुत ही खुशी होती है. मैं बहुत खुश हूँ और मैं स्टार गेल को शुक्रिया कहना चाहूँगी. मुझे बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला फॉर हीरोपन. सो थैंक यू सो मच. वो फिल्म जो इतनी बड़ी रिस्क थी, वो आज मुझे इतनी सारी खुशी दे रही है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी एंड स्पेशली टू मिस्टर विशाल पांडे. इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी टू यू नो टू विन सच एन अमेजिंग अवार्ड व्हिच इज चोजन बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ. एंड या आई होप आई कैन गिव सम यू नो ग्रेट म्यूजिक. थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर सपोर्टिंग दिस फिल्म एंड मेकिंग इट स्पेशल. थैंक यू सो मच स्टार गिल्ड के मुझे आपने बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट किया और उससे ऊपर मुझे सम्मानित भी. दिस वाज माय इवनिंग सो इट्स अमेजिंग एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि स्पेशली क्योंकि ये स्टार गिल्ड अवार्ड्स हैं एंड इट्स फॉर द फिल्म इंडस्ट्री द अवार्ड्स बाय द फिल्म इंडस्ट्री सो इट्स आवर ओन अवार्ड एंड आई एम रियली रियली प्राउड. मेरी कॉम वाज अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म एंड आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड. थैंक यू.